प्यारे दोस्तों, सिद्ध शक्ति पीठ महामाया मंदिर रतनपुर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब माता सती ने अपने पिता के ही यज्ञ कुंड में अपना शरीर दाह कर लिया था। वो अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई थी। तब शिव जी करुण क्रंदन और तांडव करते हुए संपूर्ण विश्व में माता के शरीर को लेकर घूमने लगे थे। यह देखकर श्री विष्णु ने शिव जी का शरीर के प्रति, माता के शरीर के प्रति मोह को भंग करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से धीरे धीरे माता सती का अंग काटते गए और वो अंग जहां जहां गिरा वो जगह शक्ति पीठ में रूपांतरित होता गया। 51 शक्ति पीठों में से एक रतनपुर के इस महामाया मंदिर में श्री विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर देवी का दाया कंधा यहां गिरा हुआ था। तब से यह स्थान सिद्ध शक्ति पीठ महामाया के नाम से जाना जाता है एवं नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष संख्या माता के दर्शन करने आती। दोस्तों, रतनपुर की नगरी को चतुर्युगी नगरी कहा जाता है, अर्थात इस नगरी का अस्तित्व चारों युगों में रहा है और अलग अलग युगों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया। कभी मणिपुर, कभी माणिकपुर, कभी रतनपुर। दोस्तों, यह स्थान पहले वियावान जंगल हुआ करता था। एक 1045 ईस्वी में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम यहां शिकार करने के लिए आए। उस समय इस स्थान को मणिपुर कहा जाता था। रात हो जाने के कारण उन्होंने यहीं के वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। अर्धरात्रि को जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है एवं माता के दरबार के दर्शन यहां उन्हें हुए। इस घटना के पश्चात ही रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी यहीं बनाने का निर्णय लिया।
पहले कलचुरी शासकों राजधानी तुम्मान खोल में हुआ करती थी, जो अभी भी पाली के पास स्थित है। राजा के स्वप्न में माता ने पुनः दर्शन दिया और उनसे कहा, यह जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड में ही मेरी पुरातन मूर्ति जलमग्न है, उसे निकालकर विधिवत स्थापना करो। राजा के द्वारा माता की विलक्षण प्रतिमा को निकाला गया एवं विधिवत प्रतिष्ठा की गई। जो मंदिर में, मुख्य मंदिर में आप प्रतिमा देखते हैं, वो वही प्रतिमा है और इसी कुंड के समीप स्थित है अति पुरातन पंचमुखी शिव मंदिर। और कुंड के समीप ही स्थित है वही पुरातन वट वृक्ष जिसमें राजा ने विश्राम किया था, जो अभी मनोती स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आप भी अपनी मनोकामना के लिए वहां नारियल बांध सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मनोती स्थल में अनेक दिव्य आत्माएं जो माता के भक्त होते हैं, वो वहाँ अशरीरी रूप से उपस्थित होते हैं और आपके मनोकामना को पूर्ण करने में वो सहायता करते हैं। और ये है अति सुंदर महामाया वाटिका, हरे भरे पेड़ों से सुसज्जित। यह वाटिका देखते ही बनती है। अब हम आ पहुंचे हैं मुख्य मंदिर के मुख्य परिसर में, द्वार के जस्ट पहले। इसी तालाब में पहले वोटिंग हुआ करती थी, जो किसी कारण से अभी बंद है। मंदिर ट्रस्ट के 20 साल पुराने सदस्य श्री संतोष शर्मा जी के कथनानुसार राजा रत्नदेव प्रथम के द्वारा यहाँ 3 मूर्तियाँ स्थापित कराई गई थी, महाकाली, महासरस्वती एवं महालक्ष्मी। इन तीनों का संयुक्त रूप को ही हम देवी महामाया के रूप में पूजते हैं। 15वीं शताब्दी तक तीनों देवियों की पूजा सात्विक एवं तांत्रिक विधियों से होती थी। तत्पश्चात 15वीं शताब्दी में राजा बाहर से आए, जिन्हें सात्विक पूजा अधिक पसंद थी और उन्होंने देवी काली की तांत्रिक पूजा, जो उग्र पद्धति होती है, को बंद करा दिया। और यहाँ की जनश्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाकाली की प्रतिमा को कलकत्ता की
काली मंदिर में स्थापित करा दिया गया। माता के मंदिर के जस्ट बगल में है एक और कुंड, और उस कुंड के सामने है कंठी देवल मंदिर, और ये है जलेश्वर महादेव जो सदा ही जलमग्न रहते हैं एवं पुजारी जी के द्वारा जल के अंदर जाकर ही उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। कहा जाता है कंठी देवल मंदिर माता की मूर्ति के ठीक सामने में है। पैर का निशान और पादुका का निशान है। और ये है पुरातत्व द्वारा संरक्षित कंठी देवल मंदिर परिसर। यह मंदिर पहले बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में थे, यदि उचित समय पर इसका संरक्षण नहीं किया जाता तो अभी तक ये मिट गए होते, मगर पुरातत्व विभाग के द्वारा इन्हें उचित समय में संरक्षित कर दिया गया। कंठी देवल मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव का ही लोकल के द्वारा दिया हुआ नाम है। पुरानी प्राचीन मूर्तियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ पुरातत्व विभाग के द्वारा मंदिर में सजा कर रखा गया है। और ये है यहाँ का संग्रहालय।
हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, ये था महामाया मंदिर का संपूर्ण भ्रमण। इसी तरह के और भी खूबसूरत धार्मिक और पौराणिक एवं दर्शनीय स्थलों को साथ में भ्रमण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो और पुराने हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ के महान इतिहास एवं पौराणिक महत्व का पता सबको पता चले। दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जय शिव शंभू, जय महामाया।